नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और वो कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो एक संभावना जताई जा रही है CUET UG और CUET PG 2023 में कि जिनका एग्जाम छूट गया है NTA की गलतियों की वजह से, NTA उस गलती को सुधार सकती है। यानी अगर आपका एग्जाम छूटा है तो भी मौका बन सकता है। इस पर आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा और मैं अपने सारे वीडियोज में बहुत ही खुल करके बात करता हूं, क्योंकि मैंने एग्जाम पोस्टपोन होने के लिए भी कहा था। मैं ऐसे किसी मुद्दे पर बात नहीं करता हूं कि जो हो सकता है, मैं ऐसे मुद्दे पर बात करता हूं जो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। और आज के समय में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है जिन स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्जाम NTA की वजह से छूट गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ, जो स्टूडेंट्स अपना 2 जून को अगर एडमिट कार्ड चेक किए तो उनको पता चला कि 31 को ही उनका एग्जाम खत्म हो गया है, बल्कि 31 तक उनके पास कोई एडमिट कार्ड नहीं आया था। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड आया ही नहीं, तो वो अपने एग्जाम के लिए लगातार इंतजार में है कि हमारे लिए क्या होगा। तो इस बीच कई अटकलें लगाई जा रही हैं, आप सभी को जानकारी होगा ABVP जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है, उसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में वो अपना आवाज उठा रही है। और इस आवाज को देखते हुए लग रहा है कि UGC जो है एक और मौका दे सकती है स्टूडेंट्स के लिए, कुछ ना कुछ नई नोटिस हमारे आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जरा इस सूचना को पढ़िए तो समझ में आएगा। NTA की लापरवाही से परीक्षा से वंचित रहे सैकड़ों छात्र छात्राएं, यह स्पष्ट तौर पर आरोप है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तराखंड ने NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ा आक्रोश जताया है। और लिखा हुआ है कि ABVP ने कहा कि NTA युवाओं के भविष्य को अधर में डालने का काम कर रही है। ये ABVP का स्टेटमेंट है। NTA की अदूरदर्शिता के चलते पहाड़ के सैकड़ों छात्र छात्राएं CUET प्रवेश परीक्षा देने से वंचित रह गए। ABVP के प्रदेश मंत्री उनका बयान लिखा हुआ है। ये हो गया, ये उत्तराखंड की बात है, ये सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में ही ऐसा नहीं हुआ है, ये उत्तर प्रदेश, ये वाराणसी के ABVP के द्वारा भी एक संदेश लिखा गया है, ये भेजा गया है किसको, तो आप देख लीजिए। CUET UG प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितताओं के चलते वंचित छात्रों को पुनः आयोजित कराई जाए परीक्षाएं, ये कहना है अभावी यानी ABVP का। और ये पूरा बयान लिखा हुआ है अलग अलग तरीके से। और ये लोग अभी कल के डेट में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के जो उच्च शिक्षा मंत्री है उनसे बात किया है इन लोगों ने, और इस चीज को आगे फॉरवर्ड करने के लिए कहा गया है कि मामीडाला जगदीश कुमार तक इस बात को पहुंचाया जाए कि जिनका एग्जाम किसी भी कारण से छूटा है और खासकर उसमें मैक्सिमम कारण है NTA की गलतियां, तो अगर इस कार जिसके जितने बच्चों का एग्जाम छूटा है अगर वो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके एग्जाम को दोबारा कराया जाए। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका एग्जाम छूटा है किसी भी कारण से, तो इसकी मैं गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकता हूं, लेकिन फिर भी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इसलिए आप लोग NTA के ऑफिशियल ईमेल ID पर अगर आपका एग्जाम छूटा है किसी भी कारण से तो उस चीज को एप्लीकेशन नंबर वगैरह भेज दीजिए, ताकि अगर आगे आने वाले समय में अगर कोई भी डिसीजन होता है कि स्टूडेंट्स को कोई नया डेट दिया जाए कि जिनका एग्जाम छूटा है उनको एग्जाम कराया जाए, तो आपको ये मौका मिल सकता है। ये कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है और ना ही ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है। मैंने शुरू में भी कहा कि आपके लिए जो जरूरी होगा और जो आपके बेहतर के लिए काम कर रहा होगा हम लगातार उसका सपोर्ट करेंगे और खुद भी हम उस लाइन पे काम करने का प्रयास करेंगे। तो एक संभावना जताई जा रही है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा ताकि आपको जो भी अपडेट मैं पहुंचाऊं वो समय पर पहुंचे। अगर इस पर कोई अपडेट आती है कि जिनका एग्जाम छूटा है, NTA की कोई नोटिस आती है, तो वो सबसे पहले हमारे द्वारा आपको जानने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।